मास अच्छा ही लेके आया रहा, लेकिन बनाने वाला गलत कर दिया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज है संडे, सुबह की शुरुआत हो रही है ये कच्चा हल्दी और गर्म पानी के साथ, जो कि मेरी सासू माँ के लिए है। खाली पेट लेती है ये सासू माँ, और उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। तो यहाँ मैं तैयार कर रही हूँ कोकोनट की चटनी, जो कि इडली या डोसा के साथ लिया जाता है। तो मैं आज इसके साथ बना रही हूँ मिनी डोसा, और डोसा के साथ सांभर नहीं बनाई है मैंने, सिर्फ चटनी ही देने वाली हूँ सबको। और ये है छोटू के लिए, ये मिनी डोसा भी नहीं कह सकते हैं इसको, ये है टाइनी डोसा, क्योंकि मुझे पता है छोटू इससे ज़्यादा नहीं खा सकता, तो इसलिए जितना छोटा हो सका मुझसे बना लिया है छोटू के लिए। और फिर छोटू मसाला भी नहीं लेता है, प्लेन डोसा ही खाएगा बोल रहा है। भैया कैसा हुआ? चटनी कैसा है? चटनी इधर दे दो, दो ना। मिनी डोसा, मिनी डोसा बुझे छो? और यहाँ पर देखिए, ये है मेरा वाला डोसा। सबको देने के बाद मुझ में और पेशेंस नहीं रहा कि मैं अपने लिए अच्छी तरह से बनाऊं, इसलिए जैसे तैसे करके मुझे ख़त्म करना था ब्रेकफास्ट, ये लिया है। वैसे देखने में जैसा भी हो, लेकिन खाने में उतना टेस्टी भी नहीं था, लेकिन ठीक ठाक था। डोसा सबको पसंद आया। और यहाँ पे आ गया है मछली बाज़ार, ये देखिए, ये पीडी लाया है, हिलशा माछ पीडी सिर्फ यही लाया है, और बाकी जो मछली है वो सारे पिताजी लाए हैं। आज पिताजी गए थे आज मछली बाज़ार। ये है कतला माछ, कतला फिश, ये है चपीला फिश, चपीला माछ कहते हैं इसको, और फिर ये है बोरियाली माछ। और हिलशा माछ पीडी इसलिए लाया है क्योंकि मम्मी जी का भी फेवरेट है, तो आज मैं हिलशा माछ ही बनाऊंगी। हिलशा माछर भापा फिर से बना रही हूँ आज। उस दिन जो पीडी हिलशा माछ लाया था वो बहुत ही टेस्टी था, और जब मैं इसे खा रही थी तो मुझे मेरी सासू माँ और मेरी देवरानी की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि उन दोनों को भी ये मछली बहुत पसंद है। तो यही सोच के पीडी आज भी लाया है कि आज भी ये मछली बहुत टेस्टी होगा। लेकिन मैं जब इस मछली को साफ़ कर रही थी तो मुझे लगा कि ये मछली उस दिन के जैसा टेस्ट नहीं होगा, तो बाकी तो खाने के बाद ही पता चलेगा। और आज मैं हिलशा मच्छर भापा बना रही हूँ माइक्रोवेव में। तो माइक्रोवेव में बनाने के लिए मैंने पहले मछली को हल्दी और नमक के साथ मैरिनेट करके रख दिया था, और अभी मैं इस बाउल में अनियन और सरसों पेस्ट करके इसमें बाउल में डाल दिया, और फिर उसके साथ मैंने सरसों का तेल, ग्रीन चिल्ली, हल्दी, नमक एक साथ डाल के फिर मछली को मैरिनेट करके अब माइक्रोवेव में मैं इसको 5-7 से 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, और बीच बीच में इसको हिलाती रहूंगी, और देखने से पता चल जाता है कि ये बन गया है या नहीं। अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो 1-2 मिनट और ज़्यादा भी लग सकता है, या फिर 1-2 मिनट पहले भी हो जाएगा, जो भी हो। लेकिन मैंने पहले भी ऐसे माइक्रोवेव में इसको बनाया है, बहुत ही टेस्टी बनता है, अच्छा लगता है, फिश पूरा बॉयल हो जाता है इसमें। और ये देखिए हिलशा माछेर भापा तैयार है। मैंने उस बाउल से इस कढ़ाई में
निकाल के रख दिया, क्योंकि वो बाउल थोड़ा छोटा पड़ रहा था, उसमें मैं हिला नहीं पा रही थी मछली को। बनाने के बाद इस कढ़ाई में डाल दिया है अभी। तो आज लंच में है ये चटनी, और फिर सोनू के लिए बनाई है गोभी आलू की सब्ज़ी। ये देख के तो लग रहा है बहुत टेस्टी बना है। और फिर हमारे लिए ये हिलशा मच्छ और दाल। और अभी हम सब मिलके लंच कर रहे हैं, और मैंने जब मम्मी जी को फिश के बारे में पूछा तो उनका कहना है कि मछली उस दिन के जैसा उतना टेस्टी नहीं है जैसा कि हम लोग बता रहे थे, लेकिन बुरा भी नहीं है, ठीक ठाक है। ठीक ठाक सोनू, सब्जी बढ़िया। छोटू कैसा है फिश? एकदम घटिया, बढ़िया। उस दिन का ज्यादा टेस्टी था कि आज का? ओ, फिश तो हम लेके आए ना मामी जी के लिए, क्योंकि मामी को इलिश मछ खूब पसंद है। मांस अच्छा ही लेके आया रहा, लेकिन बनाने वाला गलत कर दिया। वही बात है, हमारा मामी का वो सौभाग्य नहीं है, बहू का हाथ में अच्छा बुरा खाएगा उनके। हाँ अच्छा, वही बात, वही जो सॉरी वही बोल रहे हैं। हाँ गुड आफ्टरनून गाइज। तो आज है मंडे और मैंने लंच बना लिया है अभी अभी, और आज मैंने लंच में बनाई है ये साग, दाल, और फिर सोनू के लिए बनाई है बैंगन और आलू के साथ फ्राई किया है। ये है बैंगन और आलू एक साथ फ्राई किया है। सासू माँ के लिए बनाई है ये फिश फ्राई, और हम सब के लिए है कतला मच्छर झाल, कतला मच्छ करी। गुड आफ्टरनून गाइस। तो आज है मंडे और अभी कितना बज रहा है? ये घड़ी का रंग घड़ी है, वो घोड़ा बन गया है अभी। घोड़ा तेजी होता है। 2:37 हुआ है, और हम लोगों का लंच खत्म हो गया है, और आज जल्दी ही हो गया है। पीडी भी जल्दी जल्दी आ गया था, आज लंच करके चला गया, नहीं तो हम लोगों का लंच खत्म होते होते 3:30 तो बज ही जाता है। और सोनू और छोटू का से न्यू सेशन शुरू होने वाला था स्कूल का, कोरोना वायरस के वजह से स्कूल से मैसेज आया कि 29 तक क्लोज रहेगा स्कूल। तो सोनू छोटू अभी पूरा खुश है दोनों। और अभी अभी मेरे पास एक पार्सल आया है अमेज़न से, तो मैंने एक इलेक्ट्रिक केटल की ऑर्डर की थी। बहुत दिनों से मुझे इसे लेने का मन था, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी एक था तो इसलिए नहीं ली थी। और जब वो ख़राब हो गया था तो मैंने ऑर्डर कर दिया था इसको, आज आया है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने ही इस पार्सल को खोलती हूँ और देखती हूँ क्या है और कैसा है। तो ये हैवेल्स का है, लकी मैंने रिकॉर्ड लिया है। तो ये है, देख के तो मुझे अच्छा ही लग रहा है, पता नहीं अब काम क्या करेगा। ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक केटल, यानी इसका वायरलेस है। मैं वायरलेस अरे लेकिन ये तो बहुत ही छोटा है, इसका वायर जो है वो बहुत ही छोटा है। छोटा ये मैं बहुत दिनों से देख रही थी ऑनलाइन पे, अमेज़न पे। इसको मुझे वैसे भी लेना ही था, लेकिन मेरे पास एक था तो मैं सोच रही थी जब नेक्स्ट जब खरीदूंगी तो यही लूंगी मैं। और मेरा वो पहले का जो खराब हो गया तो इसको ले लिया है, अभी
कितना अच्छा है ये तो यूज करने के बाद पता चलेगा। स्टील का है ये, मेरा पहले का जो था वो प्लास्टिक का था। तो इसका रेट है, वैसे इसका रेट था 2995, लेकिन अभी डिस्काउंट चल रहा था तो मुझे 183। कहाँ लिखा है ये, दिखाई नहीं देता? अच्छा, 2995। तो अभी डिस्काउंट चल रहा था तो मैंने इसीलिए देख के ऑर्डर कर लिया था, मुझे 1838 में मिला। ये लगभग तीन महीने से मेरे जो बाल है इतना झड़ रहा था, मैं तो अपने आप को देख भी रही थी कि बालों के बगैर मैं कैसे दिखूंगी। तो मेरे बाल इतने झड़ रहे थे, तो मैं बहुत दिनों से ऑनलाइन में देख रही थी कुछ अच्छा प्रोडक्ट, मतलब शैम्पू कंडीशनर या ऑयल कुछ भी। तो मम्मा अर्थ का मैंने देखा है, बहुत रिव्यू भी देखा है, जितना भी रिव्यू देखा है ज्यादातर पॉजिटिव ही था। तो सोचा कि एक बार रिस्क ले ही लेती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। और ये मैंने वेडनेसडे को ऑर्डर किया था, ये मैंने, और कल ही ये आ गया था। डिलीवरी तो बहुत जल्दी हो गया है अभी, ये कल ही आ गया था। तो ये शैम्पू और कंडीशनर है। वेडनेसडे को मैंने जब ऑर्डर किया था तो उसमें ऑफर था कि दो प्रोडक्ट लेने से उसके साथ एक फ्री मिलेगा, तो इसलिए मैंने तभी ऑर्डर कर दिया था शैम्पू और कंडीशनर। लेकिन जब आया तो मुझे ऑफर वाला नहीं आया, फिर मैंने जाके फिर चेक किया तो देखा कि ये जो मैंने शैम्पू और कंडीशनर दिया है ये कॉम्बो में है। तो कॉम्बो में है तो इसलिए ये एक ही वाला प्रोडक्ट वो तो नहीं हुआ, इसलिए मुझे वो ऑफर वाला नहीं मिला। तो मैं इसको भी खोल के दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये अनियन शैम्पू और कंडीशनर, और अब ये कैसा है ये तो मुझे यूज करने के बाद ही पता चलेगा। प्राइस दिखा दो। प्राइस है इसका, इसमें प्राइस, हाँ देखो कौन अंदा है, दिखाई नहीं देता क्या? 700 दिखाई नहीं देता क्या? 719। तो इस प्रोडक्ट को मैं यूज करने के बाद ही आपको बताऊंगी कि ये कैसा है। अभी फिलहाल ले लिया है ये मैंने। इसका कलर जो है ना ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इसका एक ही प्रॉब्लम है, ये मम्मी का फेवरेट कलर है। मुझे इसका ये देख के ठीक नहीं लग रहा है। इसका जो ये देखिए वायर कितना पुराना वाला यूज कर लेना ना, छोटा इसका अलग होता है, सबका फिट नहीं होता है। था आइडिया दिया, वैसे भी पुराना वाला ये ही खराब हुआ है ना, वो कनेक्ट नहीं आ रहा। तो चलिए गाइज, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और नीचे जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो आने पर आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिर मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।